कहने वाले ने सच ही कहा है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा भागते हो वही चीज सबसे ज्यादा आपके सामने आती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ, जो इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और साथ ही छाई हुई है दोनों की शादी की चर्चा, जिसके बाद से दोनों को जहां भी देखा जाता है सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि शादी वाली खबर सच है क्या। हालांकि दोनों ही अभी तक इस सवाल से बचते हुए नजर आए हैं, लेकिन दोनों की शादी की चर्चा के बीच 29 मार्च की रात ये दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे कैमरे से बच नहीं पाए। देखें पूरा वीडियो। जी हाँ, बता दें कि जो वीडियो आप इस समय देख रहे हैं ये दिल्ली एयरपोर्ट का है, जहां राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को एक बार फिर साथ में स्पॉट किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि परिणीति चोपड़ा को रिसीव करने खुद राघव चड्ढा आते हैं, परिणीति को गाड़ी में बैठाने के लिए दरवाजा भी खुद खोलते हैं। हालांकि इस दौरान मीडिया को देखते ही दोनों शादी वाले सवाल से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीते एक हफ्ते से ये तीसरी बार है जब राघव चड्ढा और परिणीति को एक साथ स्पॉट किया गया। तो जाहिर सी बात है ये चर्चा अब और भी तेज हो गई है कि क्या दोनों शादी करने वाले हैं। तो चलिए आज इस सवाल से पर्दा उठा ही देते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं और खबर तो यहाँ तक है कि परिणीति और राघव चड्ढा का अब रोका होने वाला है, जिसकी गुपचुप तैयारियां चल रही हैं और परिणीति के दिल्ली आने की वजह भी रोके को ही माना जा रहा है, जिन्हें रिसीव करने खुद राघव चड्ढा आए। हालांकि रोके और शादी की खबरों पर अभी तक परिणीति और राघव की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन भाई एक कहावत है ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, ठीक वैसे ही एक हफ्ते में दोनों का 3 बार स्पॉट किया जाना, उसके बाद शादी वाले सवाल का सीधा सीधा जवाब न देकर ब्लश करते हुए सवाल को टाल देना, और सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी के सांसद का दोनों को बधाई देना, ये बताता है कि हमारे सूत्रों की शादी वाली खबर में दम तो है, बस दोनों की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।